हेलो फ्रेंड, मैं अर्शद युग गुरुकुल कोचिंग का ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने अब तक जो भी एलसीएम और एचसीएफ में पढ़ा है, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ नए प्रकार का क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का दिखाई दे रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 18, 12 और 24 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचे? 7 बचे। देखिए फ्रेंड, बेसिकली होता ये है कि एलसीएम और एचसीएफ में हमने पढ़ा कि एलसीएम मतलब क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसी संख्या जो नंबर ऑफ ग्रुप का, जो जैसे यहाँ पे 18, 12 और 24 है, उससे पूरी तरह विभाजित हो। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह विभाजित ना करके यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि शेषफल कुछ बचना चाहिए और वो संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक ऐसा संख्या ढूंढते हैं जो इन सभी से कटता हो। तो ऐसा संख्या जो इन सभी के टेबल में आता हो, या फिर ये कहें कि इन सभी से कटता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन मल्टीपल कहेंगे। और छोटी से छोटी चूंकि संख्या निकालना है, तो छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो तीनों से कटे, उसको क्या कहेंगे? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहेंगे, यानी एलसीएम कहेंगे। तो पहले वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो या तो आप 18, 12 और 24 का इस तरह से आप एलसीएम निकाल के देखें, या फिर आप डायरेक्ट, आपको जैसा कि मैंने बताया है कि जब भी एलसीएम निकालना हो तो जो हाईएस्ट वाला नंबर है उसका टेबल पढ़ना शुरू कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए जब तक कि ऐसा संख्या ना आ जाए जो तीनों से कटता हो। तो अगर 24 का टेबल हम पढ़ते हैं तो 24 से कम 24 क्या? 24 तीनों से कट रहा है, तो 24 12 से कट रहा है, लेकिन 18 से नहीं कट रहा है, 24 एलसीएम नहीं हो सकता है। 24 का टेबल दो बार पढ़ेंगे तो 24 दूना 48 होगा, 48 भी 12 से कट रहा है लेकिन 18 से नहीं कट रहा है। 24 तिहाई 72, 72 जब हम देखेंगे तो 72 तो 24 से कट ही रहा है, 24 तिहाई 72, 12 छः के 72, 12 से भी कट रहा है और 18 छः के 72, यानी कि 72 आपका एक ऐसा संख्या है जो ये तीनों से कटता हो। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा कितना यहाँ पे? 72। आप चाहे ऐसे भी निकाल के देखिए, आपका आंसर यही आएगा। 2 से अगर काटते हैं, 2 9 18, 2 से 2 6 12 और 12 बार में ये, फिर 2 से काटेंगे तो ये 9 तो कटेगा नहीं, वैसे ही उतर जाएगा, 2 3 6 और 2 6 12। फिर 2 से सिर्फ एक ही कट रहा है इसलिए छोड़ देते हैं, 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 1 3 और 3 2 6। अब देखिए, यहाँ ऐसा कोई भी संख्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है जो ऐसा टेबल, कोई भी टेबल से कम 2 को काटे। तो यहाँ पे आपका यही एलसीएम हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2, दो बार 2 है और एक बार और 2 है, 3 बार 2 है आपका, और 3 कितना है? 3 भी दो बार है। इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 72 आ ही जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिहाई 24 और 24 तिहाई कितना हो गया आपका? 72। यानी आप कह सकते हैं कि एलसीएम कितना आएगा आपका? 72। 72 मतलब क्या कि आप अगर 18 से ये 72 को डिवाइड देते हैं तो 18 चौके 72, देखिए ये पूरा कट जा रहा है। ये आपको करना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर आप 12 से इसी को डिवाइड करेंगे 72 को, तो 12 छः के 72 ये भी कट जाएगा। फिर आप 24 से अगर डिवाइड करते हैं 72 को, तो 24 तिहाई 72, यानी ये पूरा कट जा रहा है। यानी अभी हमको एक ऐसा संख्या मिल गया जो इन सभी से कटता हो, लेकिन सभी से कटने वाला नंबर नहीं चाहिए, सभी से कटने वाला नंबर नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा संख्या चाहिए जो भाग देने पे शेषफल जो यहाँ पे बचता है उसको शेषफल कहते हैं। तो वह यहाँ कुछ शेषफल बचे, पूरा कटे नहीं। तो अगर यहाँ पे 4 बार में ये पूरा कट जा रहा है, अगर यही संख्या अगर 72 ना हो करके 7 और बड़ा होता, यानी कि 7 और बड़ा होता, कहने का मतलब है 72 प्लस कितना यहाँ पे 7 और ऐड कर दे तो कितना हो गया? 79। तो क्या अब 18 से डिवाइड करने के बाद 7 शेषफल बचेगा? तो बिल्कुल सही, यहाँ से अगर हम 18 से डिवाइड करते हैं, 18 चौके 72, कितना शेषफल बचा? 7 बचा। उसी तरह से अब 79 में अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 छः के 72, अभी कितना बचा? 7 बचा। अब यही 79 में अगर मैं 24 से डिवाइड करता हूँ तो 24 तिहाई 72, अभी की कितना बचेगा? 7 बचेगा। मतलब एक ऐसा संख्या आपको मिल गया
कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एक ऐसा संख्या ढूंढना था जो जब इन तीनों से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचे, 79 बचे, 7 बचे, तो वैसा संख्या कौन सा आपका मिल गया, तो 79 आपका मिल गया। तो आपको एग्जामिनेशन में कैसे बनाना है, आमतौर पे जिनको पता नहीं होता है मेथड, वो क्या करते हैं कि ऑप्शन में सभी में डिवाइड करके देखने लग जाते हैं। 18 से पहले 72 को डिवाइड करेंगे, फिर 12 से, फिर 24 से देखेंगे 7 शेषफल बच रहा है कि नहीं, नहीं बचा तो आगे और बढ़ते हैं। तो इस तरह से काफ़ी समय लग जाता है। तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो एलसीएम आया, यानी एक ऐसा एलसीएम मतलब क्या, एक ऐसा संख्या मिल गया जो इन सबसे कटता हो, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो इस पूरा तीनों से कटने वाले संख्या में जितना शेषफल बचना है, बचाना है, उतना ऐड कर दीजिए। यानी बचने, शेषफल मतलब क्या, एक्स्ट्रा जो बचता है वही। तो यहाँ पर अगर 7 ये बड़ा रहता तो 7 क्या होता, 72 तो पूरा कट रहा है, 7 एक्स्ट्रा बच जाएगा, यानी ऐसे केसेस में आपका 79 ही आंसर हो जाएगा। तो ये सब इतना नहीं करना है आपको, आपको नॉर्मली क्या करना है, एलसीएम निकालना है, चाहे इस मेथड से निकाले या शॉर्ट मेथड से निकाले। एलसीएम निकालने के बाद उसमें क्या करना है, जो शेषफल बचना है उसको जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड, आइए इसी में हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ये क्वेश्चन है, आपको मैंने एक दिया है बनाने के लिए, तो वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को बनाएं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार मैं पढ़ देता हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 20, 25 और 40 से विभाजित करने पे शेषफल कितना बचे, 12 बचे। क्लियर है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पॉज करके आप लोग बना लिए होंगे। देखिए, जब सबसे पहले इसका एलसीएम अगर मैं निकालूंगा तो हाईएस्ट नंबर का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 40 का पहला एक बार पढ़ेंगे तो 40 एकम 40, क्या 40 इन दोनों तीनों से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 25 से नहीं ना कट रहा है, तो 40 एलसीएम नहीं हो सकता है। 40 दूना 80, 80 भी तीनों से नहीं कट रहा है, 25 से नहीं ना कट रहा है 80। 40 तिहाई 120, 120 भी 25 से नहीं कट रहा है, तीनों से कटना चाहिए। 40 चौके 160, 160 भी 25 से नहीं कट रहा है, लेकिन 40 पचे अगर मैं बात करूं तो 40 पचे कितना हो जाएगा, तो आपका 200 हो जाएगा, यानी 200 की अगर मैं बात करूं तो 200 20 से भी कट रहा है और 25 से भी कट रहा है और 40 से भी कट रहा है, यानी आपका एलसीएम कितना निकल गया, तो एलसीएम आपका निकल गया 200। अब आपको क्या करना है इसमें कि आपको 200 नहीं लाना है, शेषफल कुछ बचाने के लिए लाना है। 200 तो एक ऐसा संख्या है जो सभी से कटे, शेषफल कहाँ बच रहा है, एक्स्ट्रा कहाँ है, तो एक्स्ट्रा कब होगा, जब इसमें मैं 12 जोड़ दूंगा और कहूँगा कि 212 में अगर हम इन सब से डिवाइड करेंगे तो ये 12 एक्स्ट्रा बचेगा, यानी शेषफल बचेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 212, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। तो आपका अगला क्वेश्चन कुछ अलग है, थोड़ा अलग है। बोला गया वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 8 जोड़ने पर 12, 20 और 5 से भाग देने पे पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी पूरी तरह कट जाए। तो यहाँ पे पूरी तरह कटने वाला नंबर चाहिए, तो पूरी तरह कटने वाला नंबर के लिए एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ पे 12, 20 और 5 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो आइए टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। हाइएस्ट 20 है, 20 से कम 20, 20 12 से नहीं कट रहा है, 20 दूना 40 भी 12 से नहीं कट रहा है, 20 तिहाई 60 12 से भी, 20 से भी और 5 से भी कट रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 60 एलसीएम हो जाएगा। तो वो सबसे छोटी संख्या तो मिल गया जो इससे पूरी तरह विभाजित हो जाए, लेकिन हमें ये नहीं निकालना है। हमें कौन सा संख्या निकालना है, एक ऐसा संख्या जिसमें 8 जोड़ने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए, ऐसा संख्या जिसमें 8 जोड़ने पे पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं कि जो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसमें आपको क्या करना है, 8 को लेस कर देना है, वही आंसर आपका होगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 52। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए हमें एक ऐसा संख्या निकालना था जिसमें 8 अगर जोड़ दिया जाए, सॉरी 5 जोड़ने सॉरी 8 जोड़ने पे, हाँ तो यहाँ पे 8 अगर जोड़ दिया जाए तो वो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो आपका 52 कैसे आंसर हुआ, देखिए 52 में अगर मैं 8 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 60। अब 60 तो आपको पता है कि ये एलसीएम है, एलसीएम मतलब क्या कि जो तीनों से कट सकता है, तो 60 एक ऐसा 8 जोड़ने पे एक ऐसा संख्या मिल गया ना जो तीनों से कटता हो, तो कौन से संख्या में 8 जोड़ा गया, तो 8 किस में जोड़ा गया, तो 52 में 8 जोड़ा गया, तो 52 में अगर 8 जोड़ दिए तो मेरा एक ऐसा संख्या मिल गया जो तीनों से कटता हो, तो वही तो हमें निकालना था। तो यहाँ पे आपका आंसर मिल गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर 52 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। तो चलिए और इसी में थोड़ा सा और घुमाया जा सकता है क्वेश्चन को, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं फ्रेंड। फ्रेंड तो आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन का लॉजिक सेम है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। बोला गया कि 57 में वह कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए,
57 में वह कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि जो जोड़ने के बाद जो परिणाम होगा वो परिणाम 5, 12 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हम लोग तुरंत निकालते हैं कि ऐसा संख्या निकालना है जो इन तीनों से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 5, 12 और 20 कितना होगा आपका। तो एलसीएम अभी हम लोग निकाले थे कि 60 इसका एलसीएम है, तो 60 एक ऐसा संख्या मिल गया जो पूरी तरह विभाजित हो जाए, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये बोला जा रहा है कि 57 में ऐसा क्या जोड़ा जाए, कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह पूरी तरह किससे विभाजित हो, 5, 12 और 20 से, यानी कि 57 में ऐसा क्या जोड़ा जाए जो जोड़ने पे 60 आ जाएगा। मतलब 60 क्या है, एक ऐसा संख्या है जो तीनों से कटता है, तो तीनों से कटने वाला संख्या क्या है आपका, 60 है ना, तीनों से कटने वाला संख्या आपका क्या है, 60 है। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसा क्या जोड़ा जाए 57 में कि 60 हो जाए, यही ना बोला जा रहा है, ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 60 हो जाए या तीनों से कटने वाला नंबर हो जाए, बात तो बराबर ही है, तो ऐसा क्या जोड़े। तो पता चला कि अगर हम इसमें तीन जोड़ देते हैं तो मेरा कौन सा संख्या मिल जाएगा, एक ऐसा संख्या मिल जाएगा जो तीनों से कटता होगा। तो आपका इस बार आंसर क्या हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको वही करना है, एलसीएम में तीन को कितना 57 को घटा दीजिए तो आपका आंसर मिल जाएगा 3, यही आपका आंसर होगा, क्लियर है ना। अब एक बात और, हालांकि मैं पहले रिपीट कर चुका हूं, लेकिन आगे जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं, हो सकता है नेक्स्ट या नेक्स्ट का नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसमें काम आएगा वो लॉजिक। देखिए, हमने कहा था आपसे कि 60 एक ऐसा संख्या है जो इन तीनों से कटता हो, तो अगर 60 एक ऐसा संख्या है जो तीनों से कटता हो तो 60 का जितना भी मल्टीपल होगा, यानी 60 का टेबल पढ़ने में जो जो आता है वो सभी इन तीनों से कटेगा। जैसे 60 तीनों से अगर कट रहा है तो 60 दुना कितना हो गया 120, तो 120 भी तीनों से कटेगा। 60 तिहाई कितना हो गया 180, तो 180 भी तीनों से कटेगा। 60 चौकी कितना हो गया 240, 240 भी इन तीनों से कटेगा। 60 पचे कितना हो गया तो 300, तो 300 भी इन तीनों से कटेगा। तो यानी कि 60 का जितना भी मल्टीपल है वो सभी इनसे कट सकता है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो पहले मैंने डिफाइन किया हुआ था आपको, क्लियर है ना। तो आइए हम लोग अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए फ्रेंड, अब आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 10, 12 और 15 से पूरी तरह विभाजित हो। हमने कहा था कि हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि ये छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या पे ध्यान नहीं देना है। पहले भी कहा था, जहाँ बड़ी संख्या आमतौर पे ये माइंड में होता है या कंफ्यूज होने पे कि बड़ी संख्या बोला गया, दैट मीन्स हाईएस्ट और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी एचसीएफ निकालने की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने कहा था कि ये इस पे ध्यान दे रहा है कि यहाँ पे से है या का है ना, या को है। तो ऐसे केसेस में हम से है तो एलसीएम ही निकालना है, यानी एक ऐसा संख्या निकालना है जो इन तीनों से पूरी तरह विभाजित हो, किससे, 10, 12 और 15 से, लेकिन वो संख्या कैसा हो, वो 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या होना चाहिए, क्लियर है ना। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि सबसे पहले एक ऐसा संख्या तो मिल जाए जो इन तीनों से पूरी तरह कटता हो। तो ऐसा संख्या अगर मैं बात करूँ तो एलसीएम इन तीनों का ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 10, 12 और 15, इनका एलसीएम कितना आएगा, तो 15 एकम 15, 15 किससे कट रहा है, तो 15 सिर्फ 15 से ही कट रहा है, 15 दूना 30, 30 10 से कट रहा है लेकिन 12 से नहीं, 15 45 45 भी आपका 12 से नहीं कट रहा है, 15 चौके 60 60 तीनों से कट रहा है, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 60, यानी एक ऐसा संख्या मिल गया जो ये तीनों से कटता हो, लेकिन वो संख्या 2 अंक, यहाँ तो 2 अंक वाला चाहिए ना, आपको 5 अंक वाला चाहिए, वो भी सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ 60 दूना 120 भी इन तीनों से कटेगा, 60 का पहला जितना बार पढ़ेंगे वो सभी इससे कटेगा ना, यानी अगर मैं बात करूँ 120 तो 120 भी कितना से कटेगा, अगर 120 60 से कट रहा है ना, 60 दूना 120 यानी 120 भी आपका पूरी तरह से कटेगा, किससे, तो आपका इन तीनों से। 60 का पहला 3 बार पढ़ते हैं यानी कि 60 × 3 तब भी कितना आएगा, ऐसा संख्या आएगा जो आपका इन तीनों से कटता हो, क्लियर है ना। तो ऐसे केसेस में आपको करना क्या है वो ध्यान में लीजिए। यहाँ पे हम लोग चेक करके देख लेते हैं कि 5 अंक का सबसे बड़ा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 बार 9 लिख लेते हैं, बड़ी संख्या में तो ऐसे ही करते हैं ना, और छोटी संख्या अगर होता तो 1000,
छोटी संख्या में 1, 2, 3, 4, 5 संख्या हो गया ना, तो 5 अंकों वाला ये संख्या सबसे छोटी हो गया, ये सबसे बड़ी हो गया। अब हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या ये तीनों से कट रहा है। तो ये देख, ये तीनों से कटने का मेथड क्या है, जो 60 का टेबल में आ रहा है, यानी 60 जिस जिस को काट रहा है वो सभी इन तीनों से कटेगा। तो आइए देख लेते हैं कि क्या 60 इन तीनों को काट रहा है। तो आइए 60 एकम 60 हो जाएगा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 9 से 6 गया, 3 बच गया, फिर 9 बार में 6 बार में देखिए 360 आ रहा है आपका, यहाँ बच गया कितना 9, और यहाँ कितना बच गया 3 बच गया, ये कट गया आपका, अगेन 9 उतरेगा, कितना बार 9, एक बार यहाँ, ये दो कंप्लीट हो गया था, एक 9 यहाँ लिए थे हम, एक 9 यहाँ भी, एक बार और 9 आएगा। फिर से 6 बार में अगर कटेंगे तो काटेंगे तो 360 यहाँ 9 बच जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगेन 9 उतर जाएगा, तो फिर से 60 से कितना बार में, तो 6 बार में काटेंगे तो 360 आएगा, और 360 आएगा तो आपका कितना शेषफल बच गया, तो 39 शेषफल बच गया। देखिए हमें एक 5 अंक वाला एक ऐसा संख्या चाहिए था जो इन तीनों से पूरी तरह कटे। अगर 60 से भी ये पूरी तरह कट जाता तो इसका मतलब वो संख्या कौन हो जाता, 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या, तो यही हो जाता 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या भी। और अगर ये 60 से कटता तो इसका मतलब ये तीनों से कटता, तो तीनों से कटने वाला नंबर भी हो जाता। लेकिन जब हम इतना में भाग दिए 60 से, तो शेषफल बच रहा है कितना, तो शेषफल 39 बच रहा है। तो शेषफल अगर 39 बच रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि शेषफल अगर 39 बच रहा है तो शेषफल 39 कैसे बच सकता है, शेषफल 39 कैसे बच सकता है, यानी अगर ये 39 कम होता, अगर ये 39 हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है आपका, 39 बच रहा है, तो हमें क्या करना होगा, देखिए एकदम बहुत ही आसान तरीका है कि 39 ये शेषफल ज्ञात करें, जो इतना से 5 अंकों वाला वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, यानी अगर ये 39 कम होता तो 39 जो एक्स्ट्रा बच रहा है, शेषफल मतलब क्या, जो एक्स्ट्रा बच रहा है, यानी अगर मैं बात करूं 0, 6, 9, 9 जो एक्स्ट्रा बच रहा था उसको घटा दिए तो एक और नंबर मिल गया, तो ये एक्स्ट्रा बच रहा था क्या अब भी एक्स्ट्रा बचेगा, जो एक्स्ट्रा बच रहा था वो तो घटा दिए, वो घटाने का मतलब जो संख्या हमको मिला वो 60 से क्या होगा, पूरी तरह कटेगा, और जब ये 60 से पूरी तरह कट रहा है तो इसका मतलब वो ये तीनों से भी पूरी तरह कटेगा ही कटेगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर दिया कीजिए, माइनस कर दिया कीजिए। आइए हम लोग चेक करके देखते हैं अब कि क्या ये 999 60 क्या वाकई में 60 से कट रहा है। तो 60 से अगर काटते हैं तो 60 बन जा 60, बच गया कितना 39, अगेन 9 उतर गया 6 बार में, 360 फिर से 39 बचा, फिर यहाँ 6 बच गया, फिर से 6 बार में, यहाँ 3 बच गया, फिर से यहाँ 0 आ गया, फिर से 6 बार में 360। देखिए पूरी तरह कट जा रहा है ना, क्यों पूरी तरह कट गया, क्योंकि जो एक्स्ट्रा 39 था वो हमने लेस कर दिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर यही हो जाएगा कितना 999 60। लेकिन अगर यहाँ पे ये बात होता कि यहाँ पे वो संख्या लिख देता, वो संख्या लिख देता, संख्या लिख देता, कौन सा संख्या, कि ये वाला 5 × 9 लिख देता, यानी 99,999 लिख करके बोलता कि इसमें इसके करीब ऐसा छोटा से छोटा संख्या निकालिए जो पूरी तरह से इससे विभाजित हो, इन तीनों से विभाजित हो। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, जब जब भी बोला गया हो तो यहाँ पे एक और तरीका है संख्या निकालने का जो 60 से कटता है, तो यहाँ पे वो तरीका क्या है, तो आपका शेषफल कितना आया था, 39 आया था, यानी 39 ना हो करके यहाँ पे अगर 60 बचता तो 60 बचता तो 60 कम 60 वो पूरी तरह से कट सकता था ना, यानी कितना और जोड़ दिया जाए, यहाँ पर तो घटाने के बाद एक ऐसा संख्या मिल गया, ऐसा संख्या और भी तो मिल सकता है जो जोड़ने के बाद भी मिले। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 60 में ऐसा क्या जोड़ा जाए, या 39 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 60 आ जाएगा, क्योंकि 60 60 से कटता है। तो 60 में से घटा के देख लेते हैं, तो 60 में से हम 39 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, यानी 21, अगर इसमें मैं 21 और जोड़ दूँ तो मेरा 60 से पूरी तरह कट सकता है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे कि 5 × 9 में आप अगर 21 ऐड भी कर दें, तो पहले 39 शेष बच रहा था, अब कितना शेष बचेगा, तो 21 और एक्स्ट्रा शेष बचेगा, यानी अब कितना शेष बचेगा, तो 21 और एक्स्ट्रा शेष बचेगा, यानी 60 बचेगा। तो 60 तो पूरी तरह से कट जा रहा है, तो 60 जब पूरी तरह से कट जाएगा तो एक ऐसा संख्या हमको मिल जाएगा कि वो इन तीनों से भी कटेगा पूरी तरह से। तो ऐसे केसेस में 9 और 1 10, 9 2 11 और 1 12,
9 × 10, 9 × 10 और 9 × 10, यानी ये भी आपका एक ऐसा संख्या है जो इन तीनों से पूरी तरह कटता हो, लेकिन उसमें क्या है आपका कि उसमें बोला गया था कि 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या, लेकिन ये कितना अंक का हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो 6 अंक का बन गया ना, तो इसलिए आपका आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इसी में ये हम लोग लगाते हैं कहाँ पे, जब छोटी संख्या ढूंढना रहता है तब ऐसे केसेस में लगाते हैं। तो आइए एक बार छोटी संख्या वाला भी केस देख लेते हैं, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू सेम दिया है, 10 जो 10, 12 और 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम अभी ही हमने निकाला था, एलसीएम कितना होगा, तो 10, 12 और 15 का एलसीएम आपका 60 आ रहा है। अब आपको निकालना क्या है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या तो आपका ये है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या तो ये है। तो जब ये 5 अंक का सबसे छोटी संख्या है, तो आइए डिवाइड करके देखते हैं कि क्या ये पूरी तरह कट रहा है। तो 60 एकम 60 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, 1 0 उतर गया। उसके बाद यहाँ पे अगर 1 0 उतर रहा है, सॉरी यहाँ पे 60 से अगर 100 बार में लगाया है ना, तो यहाँ 40 बच गया, 1 0 और आ गया। तो यहाँ से 6 बार में 360, यहाँ बच गया 40, फिर से अगेन कितना बार में, तो आप फिर से आपको 6 बार में लगाना होगा 360, यानी कितना बच गया शेषफल आपका, शेषफल 40 बच गया। यानी एक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि 1000 में अगर जो एक्स्ट्रा बच रहा है ये 40 को अगर मैं घटा दूँ, तो एक ऐसा संख्या मिल जाएगा जो इन तीनों से पूरी तरह कटता हो। तो जब ऐसा करेंगे हम, तो कितना आएगा, 0699, यानी कि 9960, ये एक ऐसा संख्या मिल गया जो इन तीनों से कटता हो, क्योंकि एक्स्ट्रा था वो हमने घटा दिया। जो इतना में एक्स्ट्रा बच रहा था, जो एक जब 10,000 में 60 से डिवाइड कर रहे थे, तो जो एक्स्ट्रा बच रहा था वो हमने अब लेस कर दिया है। तो जब लेस कर दिया है, तो अब कुछ एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए, अब 60 से पूरी तरह कट जाना चाहिए। तो 60 से पूरी तरह कट जाएगा, तो इसका मतलब इन तीनों से भी पूरी तरह कट जाएगा। लेकिन हमें पूछा क्या गया था कि 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा गया था, 5 अंक की। लेकिन ये जो ये आपका आंसर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो अब 4 अंक का बन गया, ये तो अब 4 अंक का बन गया। तो ये पिछला क्वेश्चन के जैसा यहाँ पे आपका काम नहीं चलेगा कि ये आपका क्या है कि अगर ऐसा घटा देते हैं तो एक ऐसा संख्या जरूर मिल गया जो तीनों से कटता हो, लेकिन ये 5 अंक का नहीं मिला, 4 अंक का मिला। तो ऐसे केसेस में एक और तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो 40 आपका शेषफल बचा है, जो 40 आपका शेषफल बचा है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। जो 40 आपका शेषफल बचा है, तो शेषफल में अगर यहाँ 40 ना बच के 60 बचता, 40 ना बच के 60 बचता, तो 60 तो आपका पूरी तरह से कट जाएगा ना। तो 60 अगर बचता, तो 60 बचने के लिए इन संख्या, ये जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है 10,000, ये जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है 10,000, जब डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 40 बच रहा है। यानी ये 10,000 में 40 एक्स्ट्रा है, किससे 40 एक्स्ट्रा है, जब डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह विभाजित होने से 40 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे अगर 40 एक्स्ट्रा ना होकर के 60 एक्स्ट्रा रहता, यानी 20 और ये एक्स्ट्रा रहता, तो 20 और एक्स्ट्रा रहता, तो एक ऐसा संख्या मिल जाएगा जो 60 से कटता हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 40 एक्स्ट्रा तो इसमें पहले से ही था, 20 और एक्स्ट्रा कर दिए, तो अब कितना हो गया, तो अब हो गया ये, अब आप डिवाइड करके देखेंगे तो कितना एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो 60 एक्स्ट्रा बच जाएगा। और 60 जब एक्स्ट्रा है, तो वो तो 60 पूरी तरह से कटेगा ही, किससे, 60 से पूरी तरह कटेगा ना। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। देखिए, छोटा संख्या भी मिल गया और 5 अंक का भी है, 1, 2, 3, 4 और 5 अंक का भी है। आप डिवाइड करके चाहे तो देख सकते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 60, यहाँ 40 बच गया, यहाँ 2 आ गया। उसके बाद 6 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 360, यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया, यहाँ 4 बच गया, ये कट गया आपका, एक और 0, तो 7 बार में 42, देखिए पूरी तरह कट जा रहा है ना आपका। यानी जब छोटी संख्या बोला जाएगा तो उसमें आपको जोड़ना है, और बड़ी संख्या बोला जाएगा तो बस इसमें आपको वो चीज़ घटा देना है। क्लियर है ना। तो आइए आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का। इससे ज़्यादा जितना मैंने एलसीएम और एचसीएफ में बताया है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगर कुछ और एक्स्ट्रा अगर कोई क्वेश्चन आपको बुक में दिखाई दे, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में या फिर जो भी आपको ऑप्शन दिया गया है अपना डाउट पूछने का, उसमें आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, थैंक यू सो मच।